यह तो आप लोग जानते ही हैं, जीव का चरम लक्ष्य आनंद प्राप्ति है। और आनंद की प्राप्ति भगवत प्राप्ति पर निर्भर है, किंतु भगवत प्राप्ति में कुछ शर्तें। एक शर्त है अनन्यता, ये सबसे कड़ी और बड़ी शर्त है अनन्यता। अनन्य माने अन्य में मन का अटैचमेंट ना हो। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, नारद भक्त सूत्र 10वां। अन्य में मन का लगाव, आसक्ति 0.1% भी ना हो, ये शर्त है। तमेव विदित्वा, वेद कहता है, रसज्ञं एवायम लब्ध्वा, वेद कहता है, एव शब्द का प्रयोग होता है, एव माने ही, केवल एकमात्र। हम लोगों ने अनादिकाल से अब तक अनंत बार मानव देह पाया, अनंत बार अनंत संत मिले, उन्होंने समझाया, हमने समझा और भगवान की उपासना भी की, किंतु अनंत बार की कौन कहे, एक बार भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। उसका मेन रीजन, प्रमुख कारण है, हम अनन्य नहीं बन सके। अन्य में भी प्यार रहा और भगवान में भी रहा, भगवान के लिए भी आंखों से आंसू आए, लड़की विदा हुई या बेटा बेटी कोई मर गया, वहां भी आंसू। हमारे मन का अटैचमेंट अन्य में रहा। अन्य माने क्या, भगवान के अतिरिक्त जो बचा वो अन्य। भगवान के अतिरिक्त क्या बचा, अनंत जीव और अनंत माया का सामान। ये हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका पांच सब्जेक्ट है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच विषय हैं। हम इनको या तो माया के क्षेत्र में चाहते हैं या तो भगवान से चाहते हैं, तीसरा कोई क्षेत्र नहीं। तो भगवान के अतिरिक्त जो कुछ बचा, सात्विक, राजस, तामस, ये तीन बचे बस। कुल चार तत्व हैं जिनमें मन का अटैचमेंट होता है, तामस व्यक्ति या तामस वस्तु। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, तामस व्यक्ति, माँ बाप, बेटा, पड़ोसी, कोई हो,
उसमें मन का अटैचमेंट हो, या तामस वस्तु शराबी है, कबाबी है, शराब वगैरह सामान, इनमें मन का अटैचमेंट हो तो नरक मिलेगा। और यदि रजोगुण से युक्त व्यक्ति या रजोगुणी सामान से प्यार होगा तो रजोगुणी फल मिलेगा, 84 लाख में घूमेंगे। और यदि सत्वगुणी व्यक्ति या सत्वगुणी सामान से प्यार होगा तो सत्वगुणी फल मिलेगा, स्वर्ग। और चौथा है निर्गुणी, गुणों से रहित, यानी भगवान और महापुरुष। अगर इनमें हमारा प्यार होगा तो माया से उत्तीर्ण होकर भगवान के लोक में अनंत काल को आनंद युक्त हो जाएंगे। तो माया के एरिया में 3 है सेक्शन, तमोगुण उससे अच्छा, रजोगुण उससे अच्छा, सत्वगुण। इन 3 में वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, मन का अटैचमेंट ना हो, तब भगवान में वो अनन्य प्रेमी कहा जाएगा। क्यों जी, हमारे संसार में तो ऐसा नहीं है, सब स्वार्थी लोग हैं, फिर भी कोई माँ ये नहीं कहती कि तुम बाप से प्यार न करो, बीबी से प्यार न करो, बहन से प्यार न करो, बेटी से प्यार न करो, ये तो कोई नहीं कहता। हमारे अंतःकरण में माँ का प्यार भी है, बाप का भी है, बेटा बेटी का भी है, और दोस्तों का भी है, तमाम है, कोई एतराज नहीं करता। और भगवान क्यों ऐसा नियम बनाए हैं, केवल मुझसे प्यार करो, और कहीं देवी देवता से भी न करो। माम एकम शरणम ब्रज, एकम न अधर्म से, न धर्म से, न अच्छे कर्म से प्यार करो, न बुरे कर्म से, न पुण्य से, न पाप से, दोनों बांध देंगे, कर्म बंधन हो जाएगा। तमेव शरणं गच्छ, एव शब्द का प्रयोग करते हैं हर जगह, मामेव जे प्रपद्यन्ते, एव भक्त्याहमेकया ग्राहिया, एक केवल भक्ति मुझसे ही हो। ऐसा क्यों, भगवान का तो बड़ा विशाल हृदय है, उनको तो कहना चाहिए मुझसे भी करो और सबसे करो, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान कहते हैं देखो भाई, कि तुम जो संसार में प्यार करते हो कई लोगों से, माँ से, बाप से, बेटे से, बीबी से, पति से, तो वहां कोई एतराज नहीं करता। और हम भी ऐसे ही हैं, राधा कृष्ण उनका नाम अनंत, किसी से प्यार करो, गुण अनंत, किसी से प्यार करो, लीला अनंत, किसी से प्यार करो, उनके संत अनंत, किसी से प्यार करो, जो हमारा परिवार है उसी में रहो। ये मन गंदा है,
अनादिकाल का, कोई सीमा नहीं है इसकी गंदगी की, अनंत पाप, अनंत अंतःकरण में संबद्ध है। तो इस पाप को धोने के लिए भक्ति करता है व्यक्ति। लेकिन अगर मेरी भक्ति के सिवा, भगवान कहते हैं, अगर मेरी भक्ति के सिवा और कोई भी तुम्हारे हृदय में आएगा तो गंदा करता जाएगा। तुम जो धोगे मेरी भक्ति से, वो आके फिर गंदा कर देगा। माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो। हाँ, अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ, तुम्हारा कोई भी महापुरुष है, उससे प्यार करो। काम बन जाएगा। वो पर्सनैलिटी मायातीत हो, उसको परमानंद मिल चुका हो, वो भगवत प्राप्ति कर चुका हो, हमारा बाप हो, माँ हो, भाई हो, कोई हो, उससे आप प्यार कर सकते हैं। आपके फिजिकल नातेदारों में भी, ये कंपलसरी नहीं है कि बाहर गुरु बना ढूंढे कहीं जा करके, लेकिन महापुरुष होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं हमको ईर्ष्या अपने परिवार से नहीं है, हमारे परिवार में तुम कहीं प्यार करो। अरे मेरे भक्त से प्यार करोगे तो मैं 10 गुना खुश हो जाऊंगा। मद भक्त पूजा भेदिका, मैं तो अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। अनुब्रजाम्यहं नित्यं पूये ये त्यंघ्रिरेणु भी, इसलिए पीछे पीछे चलता हूं कि उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। फिर इतिहास साक्षी है, आप लोग सब जानते हैं, भागवत वगैरह में सुना होगा, ब्रज में भक्तों के लिए भगवान किस प्रकार नाचे हैं, दासता की है। तो भगवान कहते हैं भाई हमारे परिवार में अपने मन को रखो, माइक एरिया में मत जाओ। तो पानी शुद्ध हो उससे कपड़े धो, निर्मल पानी से, वो गंगा जी का पानी हो, यमुना जी का हो, नर्मदा जी का हो, चाहे कोई नदी का हो, पानी शुद्ध हो। गंदे पानी से कपड़ा धोगे और गंदा होगा। तो माया का जो एरिया है, जितने जीव माया के अंडर में है, चाहे सत्वगुण के अंडर में हो, चाहे रजोगुण के, चाहे तमोगुण के, वो सब माइक एरिया है, सबका फल माइक। भगवान ने गीता में अर्जुन को बहुत साफ कहा है, यान्ति देव व्रता देवान पितरीन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या मद भक्ता यान्ति मापी। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। भगवान कहते हैं देखो जी, देवताओं की भक्ति करोगे स्वर्ग जाओगे, और कुछ दिन बाद लौट के आओगे कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे। मनुष्यों की भक्ति करोगे इसी मृत्युलोक में 84 लाख में घूमोगे। जिसकी भक्ति करोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे, उसी के साथ जाना होगा। यहां तक कि जड़ भरत शरीर के परमहंस ने एक हिरणी के बच्चे से प्यार कर लिया। एक हिरनी एक शेर की दहाड़ से नदी में कूदी और उसका बच्चा गिर गया पानी में, पेट में बच्चा था, डर के मारे। वहीं पर नदी के किनारे बैठे थे जड़ भरत, उन्होंने देख लिया,
नकारे तो बच्चा मर जाएगा, डूब जाएगा। उन्होंने उसको पकड़ लिया। मां तो जान बचा के भाग गई। अब उनको दया आ गई कि ये किसी प्रकार इसको जीवित रखना है। बस उनको 24 घंटे उसकी चिंतन मनन और उसके लिए सब कुछ करना। जब मरने लगे तो मन का अटैचमेंट उसी हिरनी में हुआ, तो मरने के बाद हिरन बनना पड़ा। साधारण की कौन कहे, बड़े बड़े जीवन मुक्तों का यह बुरा हाल हो गया। तो जहां मन का अटैचमेंट होगा उसी का फल मिल जाएगा। बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है हमारे सनातन धर्म में। क्या चाहते हो, जो चाहते हो उसी से प्यार करो बस। और प्यार करना सबको पता है, पशु पक्षी को भी पता है। एक गाय के बछड़े को छोड़ दो 100 गायों के बीच में, वो ऐसे ऐसे ढूंढते ढूंढते अपनी मां के पास चला जाएगा। और अगर किसी दूसरी मां के पास गलती से चला गया और मुंह लगा दिया उसके स्तन में, तो गाय लात मार देगी। उसको भी मालूम रहता है हमारा बच्चा कैसे दूध पीता है। पशुओं का ये हाल है। तो प्रेम करना तो सब जानते हैं। कुतिया बच्चे देती है 2-4, एक बच्चे को आप पकड़ लीजिए तो हमला कर दिया आपके ऊपर। तो जिससे हमको प्यार होगा उसी की प्राप्ति होगी। तो जो कुछ प्राप्त करना हो हमको, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और अनंत और दिव्य आनंद प्राप्त करना, ये 2 लक्ष्य जो हमारे हैं, ये भगवान और महापुरुष, ये 2 पर्सनैलिटी है जिनसे प्राप्त हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो भाई, मैं बार बार अनन्य शब्द का प्रयोग करता हूं। अर्जुन से गीता में अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य भाव से, अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यशः। अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसके योगक्षेम को बहन करता हूं, उसका ठेका लेता हूं। और जो अन्य में भी रहे और मुझ में भी रहे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जब दांत से साड़ी दबाया द्रौपदी ने, तो भगवान तो सर्वत्र बैठे हैं, द्रौपदी के हृदय में भी है, वैसे भी सर्वव्यापक है, वो देख रहे थे। अपना बल लगा रही है अभी, 10,000 हाथी का बल दुशासन में, एक अबला क्या करेगी। तो जब उसने देखा द्रौपदी ने कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आंख बंद करके आहा नाथ द्वारिका वासिन कहा और भगवान का अम्बरावतार हो गया। अनन्य बना के काम बना। तो अनन्य की जो शर्त है भगवान की, उसका पालन हमने अनादिकाल से अब तक कभी किसी जन्म में नहीं किया। कहीं ना कहीं अटैचमेंट था, वो कोई गड़बड़ एक थी, किसी की 1% रही हो, किसी की 10% रही हो, किसी की 50%, सबकी अलग अलग लिमिट है संसार के अटैचमेंट में। लेकिन था, है,
इसलिए वो भगवान योग क्षेम बहन नहीं कर रहे हैं और भवसागर से हमको उत्तीर्ण नहीं कर रहे हैं। अनन्यता में कमी है, वरना सकाम भक्ति वाले को भी भगवान गोलोक देते हैं। यहां तक कि जो दुश्मनी से मन का अटैचमेंट कर देता है, गोप्य कामात भयात कंसा द्वेषात चैद्यादयो नृपा, काम भाव से गोपियों ने मन का अटैचमेंट कर दिया जिसका दंड बड़ा भयानक है। कोई लड़की कोई स्त्री किसी पर पुरुष से प्यार करे हमारे संसार में तो भगवान के यहाँ बड़ा कड़ा दंड है उसके लिए, लेकिन गोपियों ने श्री कृष्ण से वही किया, वो गोलोक गई, ब्रह्मा शंकर चरण धूल चाहते हैं उनकी। और भयात कंसा, कंस ने तो उसका ये हाल था, आसीन संभिषंस तिष्ठन, उठते बैठते खाते पीते सब जगह उसको श्री कृष्ण का डर लग गया, डर भय, ओ आ गया हमको मारने, तन्मय हो गया, तल्लीन हो गया, अनन्य हो गया। शिशुपाल इसी प्रकार भरी सभा में राजाओं की सौ गाली श्री कृष्ण को दिया उसने, अब श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। अरे श्री कृष्ण को तो करोड़ों गाली रोज पड़ती है, सौ क्या होती है। हमारे इतना बड़ा संसार है, किसी का बेटा मर गया, अरे क्या तुम्हारे भगवान, उसके चार बेटे थे, पांचवा हो गया, हमारी एक का ही था मर गया, कुछ नहीं। तो भगवान पे क्या असर होगा, महापुरुष को हजारों गाली मिलती है, उसके ऊपर क्या असर होना है। ये लोग तो नंबर ही बेहया है, इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। महापुरुष और भगवान का मतलब क्या, अरे भाई कोई किसी को कुछ गाली देता है तो शरीर को देता है, और वो जानते हैं मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, शरीर को गाली दे रहा है, दे हमसे क्या मतलब। हमारे बगल वाले को कोई गाली दे रहा है हम तो बुरा माने, ऐसे ही हमारे शरीर को कोई गाली दे रहा है ठीक है, उसका दिमाग खराब है। कोई पागल चौरस्ते पर किसी को गाली देता है तो लोग हंसते हैं ना, अरे वो पगलवा है वो, कोई फील नहीं करता। तो ऐसे ही भगवान को सौ गाली दो, कोई गाली दो, लेकिन एक अनन्य दुश्मनी कर लिया शिशुपाल ने, उसको भी मार के बड़ा कमाल किया, मार दिया। और हुआ क्या परिणाम, नरक गया? नहीं नहीं, वो सीधे गोलोक गया। भगवान गुस्सा करेंगे तो भी परिणाम वही मिलेगा, गोलोक। चाहे किसी फल को काटना है तो चाकू से काटो, और चाहे चाकू के ऊपर फल को मार दो तो कटेगा। चाहे लोहे और पारस को प्यार से छुआ दो, चाहे गुस्से में लड़ा दो, सोना बनेगा। लेकिन वो तो भगवान के अवतार का काल था, और बड़ी बड़ी पावर वाले थे वे लोग, शिशुपाल वगैरह, ये जय विजय गोलोक के आत्मा थी, वहां से श्राप दे करके आए थे। इसलिए आप लोग विरोध की बात नहीं कर सकते, अनुकूल भाव से ही, यानी वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, वो हमारे सखा हैं, उससे ऊंचा प्यार, वो हमारे बेटे हैं, उससे ऊंचा प्यार, वो हमारे प्रियतम है, सबसे ऊंचा प्यार। ये चार भावों से प्यार करना है भगवान से,
और भगवान उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ये सब एक हैं। इनमें एक से प्यार करो, दो से करो, चार से करो, सब से करो, लेकिन गुरु से अवश्य करना होगा, भगवान को साथ लेकर चलो तो भी। इस प्रकार अनन्य बनकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शेष फिर हलबेली सरकार की जय। बोलिए श्रीमत सद्गुरु सरकार की जय।